जो आपकी नर्सेस की मीटिंग हुई है उसके बारे में आप बताएंगे, क्या मीटिंग हुई है, आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? राजस्थान नर्सिंग संघ संघर्ष समिति के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश के नर्सिंग कर्मचारी पिछले 4 महीनों से लगातार अपने गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। 1 सितंबर को हमारी ACS मैडम के साथ में, ACS फाइनेंस के साथ में वार्ता हुई संगठन की, और वार्ता के बाद उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाई। हाई पावर कमेटी बनाने के बाद उन्होंने कहा था कि आपकी जो मुख्य मुख्य मांगे हैं और जो नीति संगत है, जाए जो व्यवहारिक है, उन सभी मांगों पर सरकार पूरा कर रही है, आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिएगा। और उनके इस विश्वास पर राजस्थान सरकार के जो प्रशासन के आला अधिकारी है उनका हमने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद हमने 1 तारीख से अपना आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन 15 दिन तो छोड़ो, आज 27 दिन गुजर चुके हैं, 27 दिन के बाद किसी भी हाई पावर कमेटी की जितनी भी अनुशंसा हुई है, उस किसी भी अनुशंसा पर, किसी भी अभिमत पर, किसी भी प्रस्ताव पर सरकार के द्वारा आज तक कोई व्यवहारिक ऑर्डर नहीं हुए। कोई जो राज्यादेश होने चाहिए वो राज्यादेश नहीं हुए। मजबूरन स्थिति है कि अब आचार संहिता लगने वाली है, तो निश्चित तौर से राजस्थान की नर्सेज को आज संघर्ष के लिए दोबारा आना पड़ रहा है। और 29 तारीख से हम राजस्थान में एक साथ उन्हें आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारा अनशन, जो भी चरण होगा, जो भी स्थिति होगी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के नेतृत्व में राजस्थान का तमाम नर्सेज अपने हकों को मंगवाने के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। आज होगी 27 तारीख, 5 या 7 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, तो जो 5 जो 10 दिन का गैप है, इस 10 दिन में क्या मतलब आप लोगों की रणनीति रहेगी कि आप लोगों की मांगे पूरी हो? सर, तो आप भी समझते हो, टाइमिंग शॉर्ट होता है, एक टेस्ट मैच होता है, एक वनडे होता है, एक 2020 होता है, तो बैट्समैन को उसी हिसाब से खेलना पड़ता है कितने ओवर का मैच है, उसी हिसाब से हमें मालूम है कि 7 दिन के 8 दिन जितने दिनों में आचार संहिता लगेगी, और इस स्थिति में हमको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, हम उस तरीके को अपनाएंगे, और निश्चित तौर से हमारी मांगों को बनवाने के लिए और नहीं बैठेगा किसी भी तरीके से, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की चोट होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। पिछली बार भी हमने जो 98 की 99 की हमारी हड़ताल हुई थी, वो 99 की हड़ताल पिटी थी, उसके बाद हमने क्या किया था, वो काम दोबारा करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य मंत्री से भी बात हुई आप लोगों की? स्वास्थ्य मंत्री तो सर हमारे किसी मांग पर बात नहीं करते, उनसे तो किसी प्रकार की हमको आवश्यक करना ही हमें नहीं हो रहा। सीएम साहब से भी बात हुई? सीएम साहब निश्चित तौर से राजस्थान के कर्मचारी को सीएम साहब ने बहुत कुछ दिया है, और सीएम साहब ने हम उनके धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने OPS दिया हमारे लिए, कर्मचारियों की कई मांग करी है। सीएम साहब तक जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है ये हमारी मांगों को व्यवहारिक तौर से पहुंचाते ही नहीं है, तो वो देख कैसे, जब तक वो चीजें नहीं पहुंचेगी उसी हिसाब से हमारा आज जो ध्यानाकर्षण जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं 29 तारीख से, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बातों को लोकतंत्र के तरीके से पहुंचाने का प्रयास करें। तो आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके क्या उग्र आंदोलन करेंगे या गांधीवादी तरीके? मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, हम नर्सेज की, हमारी जो जनजात्री राइटेंगल, हम लोग मानवतावादी लोग हैं, हम मरीजों की सेवा करने वाले लोग हैं, हम राजस्थान की जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, हम उग्र आंदोलन जैसी कोई चीज नहीं करते हैं। लोकतंत्र में कई तरीके होते हैं विरोध करने के, और हम तो सर मरते हुए व्यक्ति को जिंदगी लौटाते हैं, तो हम तो निश्चित तौर से आप समझ सकते हो कि हमारा जो आंदोलन होगा उसी प्रकार से होगा कि राजस्थान की आम जनता को परेशानी ना हो, लेकिन सरकार को ध्यानाकर्षण हमारा पूरी तरह पहुंचा। मैं पुरुषोत्तम कुंभज, प्रदेश संयोजक, राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति।